चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का जलवा अब बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस से बढ़कर यानी कि यूपी बिहार के लोगों के साथ साथ अब पूरे भारत में इनका जलवा सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि तभी तो वो बिग बॉस के 13 के घर में एंट्री ले चुके हैं और अब इनका डिमांड पूरे इंडिया में बढ़ चढ़कर होने लगा है। तभी तो छठ पूजा के बाद खेसारी लाल यादव का एक और नया धमाकेदार एल्बम का पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव के मैनेजर सोनू पांडे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खेसारी लाल का ब्रांड न्यू एल्बम का पोस्टर शेयर किया है। जी हां, आपको बता दें कि जिसका नाम है कमर में दर्द ना रहे। जी हां, कमर में दर्द ना रहे के पोस्टर में खेसारी लाल यादव और काजल राधवानी पोस्टर में नजर आ रहे हैं, जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। और पोस्टर रिलीज होते ही पूरी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और हर कोई इस गाने का इंतजार कर रहा है। आपको बता दें कि कमर में दर्द ना रहे का गीत लिखा है कुंदन प्रीत ने, जबकि गीतों को मधुर संगीत से संवारा है आर्या शर्मा ने। हालांकि आपको बता दें कि यह गाना कब जारी किया जाएगा इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव का नया धमाकेदार एल्बम कमर में दर्द ना रहे आदि शक्ति फिल्म्स का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर जारी किया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव अब बिग बॉस के 13 के घर में है और वो करीब काफी लंबे समय तक रहने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि खेसारी लाल यादव के बिग बॉस के एंट्री होने से क्या बिग बॉस की टीआरपी बढ़ेगी और क्या खेसारी लाल यादव को बिग बॉस में जाने से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री वालों को कुछ फायदा होगा या फिर खेसारी लाल यादव को फायदा होगा, यह तो बाद में ही पता चल पाएगी। लेकिन खेसारी लाल यादव के गाने आने से एक बार फिर से खेसारी लाल यादव की चर्चा सोशल मीडिया पर बड़े ही जोर शोर से हो रही है।